हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्कआउट करने के लिए आए हुए हैं मैथन डैम। तो वर्कआउट हम लोग मैथन डैम में कर रहे हैं। तो वर्कआउट करने के बाद हम लोग एक डॉग से मिले, डॉगी से, जो अच्छा लगा तो उसके साथ एक वीडियो बनाए हैं, तो उसको भी आप लोग कंटिन्यू देख सकते हैं। तो हम लोग वर्कआउट फिनिश करके जैसे नहाने जा रहे हैं तो वही डैम के किनारे डॉगी मिला, तो उसके साथ एक छोटा सा वीडियो बना लिए आप लोग के लिए। तो हम लोग वर्कआउट फिनिश करके नहाने के लिए गए थे तो डॉगी तो अच्छा लगा तो उसके साथ एक वीडियो बना ले, तो इसके बाद आप लोग वो वीडियो क्लिप देख सकते हैं। तो हम लोग का वर्कआउट ख़त्म हो गया, अब हम लोग नहाने के लिए गए तो देख रहा कि डॉगी तो खेल रहा था, तो उसके साथ एक वीडियो अच्छा वीडियो बना ले तो आप लोग उसको देख सकते हैं। हाँ, मेंटेनेंस तो एक्चुअली शुरू में तो वैक्सीन वगैरह देना पड़ता है, उसमें खर्चा है। और डॉग फूड खिलाने से खर्चा है, होम मेड फूड भी खिला सकते हैं। होम मेड में तो ज़्यादा पसंद है। बाल यही लग रहा है, बहुत डबल कोट कुत्ता घर में रखना। डबल कोट, हाँ डबल कोट, हाँ तो डबल बाल ये तो बहुत विश्वासी होता है। वेट अभी इसका कितना होगा? हमको लगता है 35 kg तो होगा। इसका हेल्थ भी है अभी? और थोड़ा सा बढ़ेगा। ये और बढ़ेगा ना? 8 मंथ्स हुआ है, 12 मंथ्स तक बढ़ेगा। 8 मंथ में इतना है, देख रहा। मेल कि फीमेल? मेल है। अरे स्कॉटलैंड का ब्रीड है और उसका मेंटेनेंस भी बोलता है कि ठीक ठाक है, मेंटेनेंस कम है, ज़्यादा नहीं है। तो बोल रहा है कि जब बच्चा मतलब डॉगी जब खरीदा है तब वैक्सीन वैक्सीन लाना पड़ता है, तब जाके उसका हेल्थ सही रहता है। तभी जो दिखाने जा रहे हैं वो 8 मंथ का डॉगी है और आप लोग देख सकते हैं कि इसका 8 मंथ के हिसाब से क्या हुआ है। मतलब उधर का अगर आप लोग देख सकते हैं ये वाला डॉगी कैसा है, कैसा नहीं, कमेंट करके बताइए। तो हम लोग वर्कआउट करके अभी नहाने के लिए आए हुए हैं और डॉगी डा अच्छा लगा तो उसके साथ ब्लॉग बना दिए। अभी हम लोग नहाने जा रहे हैं।